प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना अनुच्छेद लेखन करेंगे और ये रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। ये हमारा 18वां पाठ है, वो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत हमें पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन लिखने हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये इसे रचनात्मक क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें हम अपने जो विचार हैं, अपनी जो रचना है, वो लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, चाहे वो पत्र हो चाहे वो अनुच्छेद लेखन हो। तो आज हम अपना पहला अनुच्छेद लिखेंगे, अपने देश की महिमा का गुणगान करते हुए। हमारा प्यारा देश भारत, या भारतवर्ष हम कहेंगे, और आज हम इसी के ऊपर एक अनुच्छेद लिखेंगे। हमारा पहला अनुच्छेद जो रहेगा वो है हमारा प्यारा देश। तो अलग अलग नामों से भी आ सकता है आपको परीक्षा में, भारतवर्ष, हम मेरा प्यारा देश, या फिर हमारा प्यारा देश, या मेरा भारत महान, किसी भी शीर्षक से पूछा जा सकता है। तो हम लिखते हैं अनुच्छेद लेखन, आप भी इसे नोट करते जाइए साथ साथ। भारत हमारा प्यारा देश है, भारत हमारा प्यारा देश है, प्यारा देश है, राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम, इस देश का नाम भारत पड़ा, भारत पड़ा है। तो राजा भरत के नाम पर इस देश का भारत पड़ा है। इसकी प्राकृतिक संपदा, अब इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। इसकी, यहाँ पे इसकी जो, इसके लिए प्रयोग किया गया भारत को, इसकी, भारत देश के लिए इसकी प्राकृतिक, इसकी प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक संपत्ति अपार, इसका अंत नहीं होता। अपार मतलब इसका अंत तक नहीं दिखता, कहीं विशाल पर्वत है, कहीं विशाल पर्वत है, तो कहीं पवित्र जल वाली नदी, पवित्र जल वाली नदियों इसे साथ का साथ लिखते जाइएगा, तो ये याद भी होता जाएगा। इसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, इसकी उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है,
यहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पैदा होती हैं लोग जलवायु बदलने के लिए के लिए पर्वती स्थानों पर घूमने जाते हैं। पर्वतीय स्थानों पर घूमने जाते हैं। जाते हैं हिमालय शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो एक ही अनुच्छेद में लिखेंगे। जब हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं तो सभी अनुच्छेद जो होता है एक के पीछे अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में होना चाहिए। करीब 10-15 वाक्यों का होता है अनुच्छेद। तो हम लिखते हैं भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। सबसे प्राचीन देश है। तो इसे आप साथ साथ नोट करते जाइए। मैं मिटा के ऊपर का लिखता हूँ, फिर से ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत है।
यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले अनेक धर्मों को मानने वाले मानने वाले लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों के, भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोगों के लोगों की बोली और वेशभूषा में भी अंतर है, वेशभूषा में भी अंतर है। यहाँ की संस्कृति गौरवशाली है, गौरवशाली है। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। ज्ञान का सूर्य, ये तो आपने लिख लिया है, इसे मिटा देते हैं। ज्ञान का सूर्य सबसे पहले यही उगा था, यह मान्यता है, यही उगा था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा है। यहाँ के नागरिक अपने देश से प्रेम करते हैं, और
चर्चा, इसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। मुझे अपना देश बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये था हमारा पहला अनुच्छेद, हमारा प्यारा देश भारतवर्ष, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम एक और अनुच्छेद आज करेंगे, वह है चिड़ियाघर की सैर। तो आज हमने दो अनुच्छेद करने हैं, आपने पहला देख लिया, हमारा पहला अनुच्छेद था हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। तो आप इसे नोट करते जाएंगे और अच्छी राइटिंग में इसे नोट करेंगे। तो एक बार इसे फिर से ध्यान से उतार लीजिएगा। तो मैं मिटा करके अपना दूसरा अनुच्छेद अब लिखता हूँ। हमारा जो दूसरा अनुच्छेद है वो है चिड़ियाघर की सैर। दूसरा अनुच्छेद है हमारा चिड़ियाघर की सैर। तो शुरू करते हैं। हमें स्कूल से चिड़ियाघर हमें इस वर्ष स्कूल से चिड़ियाघर जाकर चिड़ियाघर जाकर जानवरों को देखने का अवसर मिला। सभी बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर सुबह आठ बजे स्कूल पहुंचे
सभी अपना अपना सभी अपना अपना बैग लेकर बस में चढ़े। बैग लेकर बस में चढ़े। हमारे साथ दो अध्यापक थे। हमारे साथ दो अध्यापक थे। तो उसी क्रम में हम बताएंगे चिड़ियाघर की सैर में कैसे आप घर से स्कूल पहुँचे, स्कूल से बस से आप कैसे गए, आपने पहले टिकट खरीदा, फिर कौन से जानवरों को देखा। तो उसी क्रम में हम लिखेंगे। जब भी हम कभी अगर किसी सैर के बारे में हो या कहीं पार्क में घूमने जाएंगे, अगर उसके बारे में कुछ बताना हो, तो जिस क्रम में घटना घटती है उसी क्रम में हम इसे लिखेंगे। तो हमारे साथ दो अध्यापक थे टिकट लेकर हमने चिड़िया घर में प्रवेश किया। सबके बैग बस में ही थे। सचमुच चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। सचमुच चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। हमने यहाँ हिरण, बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, नीलगाय, आदि जानवर देखे। चिंपांजी, देखने में बहुत
मज़ा आया। अगला है, आपने इतना लिख लिया, मिटा करके मैं लिखता हूँ। चिंपांजी आदि देखने में बहुत मज़ा आया। दोपहर का भोजन कर, इसी के लगातार इसी के बाद में ही लिखेंगे। दोपहर का भोजन कर, भोजन कर, करके हम पक्षी घर की तरफ गए। हम पक्षी घर की तरफ, पक्षी घर की तरफ, की तरफ गए। पूर्णविराम, यहाँ अनेक रंगों की, यहाँ अनेक रंगों के तोते तोते चिड़िया चिड़िया तथा मोर थे, तथा मोर थे। इनकी मीठी आवाज, इनकी मीठी आवाज, मीठी आवाज सुनकर, सुनकर मन खुश हो गया। ये तो हमने लिख लिया है, सुनकर। अब शाम हो चुकी थी, अब शाम हो चुकी थी, चुकी थी। सभी लोग, सभी लोग बस में बैठकर वापस आ गए, बस में बैठकर वापिस आ गए। घर आकर मैंने, घर आकर, घर आकर मैंने अपने, अपनी छोटी बहन को, छोटी बहन को पक्षी तथा जानवरों के बारे में, जानवरों के बारे में बताया।
मेरे लिए चिड़ियाघर की सैर एक यादगार बन गई। मेरे लिए चिड़िया घर की सैर एक यादगार बन गए। बच्चे इसी तरह लिखेंगे तो इसे लिख करके याद करेंगे, साफ लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। तो आज के लिए यही दो अनुच्छेद, कल हम पत्र लेखन भी करेंगे।